मेरा फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लग रहा है ये कैमरा वापस चालू करके। हाय, वेलकम टू अ व्लॉग जो आई नो मैं फाइनली पोस्ट करूंगी। मैंने इंस्टाग्राम पे बड़े दिन से शेयर कर रही हूँ कि आई वांट टू व्लॉग, मैं कर ही नहीं पा रही। मेरे को या तो लगता है कि इसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते इसको शायद, एंड आई डोंट नो, आई वाज जस्ट इन अ नॉट अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ स्पेस। बट नाउ आई एम बैक एंड मैंने पूरा डेडिकेटेड ही सेटअप करा है। शो यू मैं अभी क्या बना के आई हूँ ऊपर से। दिस इज माय व्लॉगिंग किट। मैंने बैटरी चार्जर रखा है, कैमरा पाउच है, ट्राइपॉड पर अभी मैंने लगा के रखा है तो नहीं है। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी मैं ऑर्डर करूंगी जो मैं यहाँ पे डाल के रखूंगी। दिस विल ऑलवेज बी विथ मी वेर एवर आई गो, ताकि कोई भी मोमेंट मैं मिस ना करूं। वन मोर किट इज माय पोलरॉइड किट। इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है वैसे। इसमें है मैंने पोलरॉइड कैमरा जो मैंने बहुत सस्ते में लिया था, कोई अमेज़न सेल से 1800 रुपए के आसपास मैंने लिया था। एक एक्स्ट्रा पैक ऑफ फिल्म्स हमेशा इसमें रहेगा, सो दैट अगेन नो मोमेंट इज मिस्ड। दीज टू विल ऑलवेज बी विद अस। आज के दिन मैं बड़ा लेट उठी थी। माय स्मूदी आल्सो आई लेफ्ट हाफ क्योंकि तब मेरा पेट भर गया था। आई फील हंग्री अगेन बट आई एम क्रेविंग मैगी जो मैंने महाबलेश्वर में खाया। एक पर्टिकुलर स्टॉल था एंड ही यूज्ड टू मेक रियली रियली गुड मैगी। तो उसको मैंने पूछा था रेसिपी, तो ही सेड कि वो 3 मिनट तक मैगी को उबालते थे। वी गेटिंग द वाटर प्रोपोर्शंस रॉन्ग। आज आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इट अगेन एंड सी इफ आई कैन गेट मेरा मैगी टू टेस्ट लाइक हिज। आई लाइक मेकिंग मैगी इन अ तासरा, फैंसी होने का अटेम्प्ट, पर आई थिंक ये खाली है, कुछ नहीं है इसमें। आई एम गोना बी लेजी एंड टेक एन ऑलरेडी फिल्ड बॉटल। Where is my kacha maggi gang at? I love kacha maggi. When I was in school, multiple times, my classes ke baad, 5 rupees wala chota maggi aata tha, wo leke, I used to crush the maggi, fir maggi masala andar dal ke, piri piri fries ko aise shake kar, kacha maggi khati thi with the masala. So I don't recommend doing this, but just tell me if you are a part of the kacha maggi gang or not. I have to hurry with the tadka. मैंने 3 मिनट का टाइमर तो रखा ही नहीं, तो I really need to hurry with the tadka. Because I put 3 things in my tadka: hing, haldi and mirchi. I think I should take it off now. Usually I cook it for way longer and I think 3 minutes to ho gaye. I feel like mera aur mama jhagda hoga about who will eat how much. Now I'm horrible with serving, so I'm going to be a very bad 22-year-old and call my mom to serve the maggi. Mummy please serve kari de. मम्मी इसे इतना ही खाने वाली है। टेस्ट करने के बाद क्या वो कायम रहता है। एवरी मॉर्निंग आई हैव बीन हैविंग स्मूदी ना, उपमा से स्मूदी पे आ गई हूँ एंड स्ट्रॉबेरी सीजन फेवरेट सीजन, तो आई पुट द स्ट्रॉबेरीज इन द स्मूदी। इट्स अ हेल्दी डेजर्ट क्योंकि उसमें शुगर बिल्कुल नहीं डालती। आई विल शेयर दी रेसिपी इन द नेक्स्ट व्लॉग, जब बनाते बनाते आई विल बी व्लॉगिंग इट, क्योंकि अब तो कैमरा अपने पास रहेगा। वी विल कीप 2 spare memory cards एंड 1 spare battery ऑलवेज। नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्ट टेस्ट। It's very similar. As usual, I always put extra milk only in my Maggi. Because और को नहीं खा पाता और मुझे extra चीज़ का पसंद है, तो I get more of it. आपको कैसा लगा? I feel little bit कच्चा. मुझे थोड़ा सा overcook अच्छा लगता है. पर महाबलेश्वर वाला तो ऐसे ही होता था ना? नहीं, मुझे ये थोड़ा लग रहा है और 2 मिनट पकाना चाहिए। I'm happy. I don't have to share my bowl. Maggi के बाद I'll see you. क्या लेना है आज? Because I had put up on Instagram, पर अला घर सेटअप करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है कि echo बहुत ज्यादा हो रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बाय मोर फर्नीचर बिकॉज अभी के लिए इतना काफी है। इवन दो आई वॉन्ट टू सेट इट अप मोर, एक बार के लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 90% ऑफ यू सजेस्टेड मी टू पुट इन रग्स। देखते हैं कि ऑफलाइन अगर मेरे को अमेज़न जितना डील्स मिल रहा है तो ऑफलाइन लेंगे। तो पहले मैगी खाती हूँ, फिर अपन सोचते हैं कि बाकी के दिन में क्या करना है। डिसीजन हैज बीन मेड, वी आर गोइंग फॉर द रग फर्स्ट। वन पर्सन दैट वी नो गिव अस अ रियली गुड रिकमेंडेशन ऑफ एन एरिया जहाँ पे फर्नीचर भी मिलता है। सो आई एम लुकिंग टू गेट अ सोफा, बट बिकॉज सोफाज ऑनलाइन वर एक्सपेंसिव, मैंने सोचा बाद में ले लूंगी। 5 to 8,000 में मिल जाता है एक अच्छा सोफा, तो वी कैन गेट अ सोफा। आई एम जस्ट सिटिंग टू प्लान not the other important things in my day. We just sold out our black and white planners completely. Kuch pieces of the color planner are left. If you want to get it before January starts. Ready? Although there's a catch to the outfit. ये पहनने का मन कर रहा है मेरा आज। पेट पहले से ऑफ कोर्स काफी बढ़ गया है, लेकिन मुझे क्रॉप टॉप पहनना अभी भी पसंद है। डेनिम भी अभी तक फिट आ रहे हैं। विंडो करनी है बंद बिकॉज पिजन्स बहुत आते हैं। प्लस छिपकलियां भी बहुत आने लग गई है। बेसिकली विंडोज बंद कर। Those are our tulsi plants. वो भी पिजन से बचाने के लिए हमने नेट में रखे हैं। The slippers are back. I was going to make a video called my slipper collection before lockdown. वाला ना बहुत fan favorite बन चुका है already Instagram पे। तो ये मैंने Starbucks से लिया था अराउंड 600 rupees। मैंने Valentine's कुछ कलेक्शन था उनका, फेब्रुवरी में लिया था। सो वेयर इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल ऊपर, सारा का सारा पैक तो हो गया है।
बट इस सब में ना मेरा रबर बैंड भी पैक हो गया था. See, it's पूरा empty. बैग ले ली गई है. I'm in a very good mood today. So these are the shoes I wanted to show you. ये Skechers से लिए हैं. And इसका comfort ना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो ये अब डेली शूज बन गए अपने. मुझे लगा डिफरेंट भी होगा, तो आई लाइक स्टॉप फॉर अ सेकंड बिकॉज व्लॉगिंग आउटसाइड पूरा लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम कर, थोड़ा ऑकवर्ड हो सकती हूँ. ए इवन मम्मी इज वेयरिंग नेवी ब्लू. उन्होंने मैचिंग मैचिंग हो गई नेवी नेवी. बोला था ना आई ऑलवेज कैरी दीज टू. स्पेस फॉर द सिपर. दिस एरिया इज द फोन स्पेस. हियर आई कीप मास्क. व्हाट्स इन माय कार टूर भी करेंगे. The little kids selling kachre ka theli or bag. I was thinking how many people actually shop from the signal. Unko help hoti hogi ki nahi? And more than help, I keep thinking ki unko kaun supply karta hai? And what happens to that money? Maine mark kiya jab humne ye nahi li thi espresso. Bahut aaram aaram se, pyar se chalati thi. Abhi gaadi control mein aa gayi hai. Thoda sa distance hai, speed mein bhagao aur pata hai gaadi control mein. Baad mein aaram se slow kar do. Meri phat jati hai. पहले वो पापा को बोलती थी कि मुझे हिली का ड्राइविंग ज्यादा पसंद है. अभी मम्मी के लिए हम दोनों सेम लेवल पे आ गए. क्या बोलते हैं, पापा के कदमों पे चलने लगी है. यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रग सोफा. कहाँ हम आए थे जब रग लेने, अभी हम सोफा लेके जा रहे हैं. आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस पिंक और दिस. ज्यादा वंस वी शॉर्टलिस्टेड, अब इसमें से देखते हैं हाउ मेनी फिट इन द बजट. कितने रग्स लेने निकले थे? एक. मैं तो तीन सोच के निकली थी. कितने लिए? नौ रग्स लिए. मतलब क्वालिटी इज रियली गुड. उन्होंने रेट भी बहुत अच्छा करके दिया. कार इज ऑलमोस्ट लोडेड अपने सारे कार्पेट्स के साथ. पर रोल में दो दो है और तीन आने बाकी है. कैसा रहा? कार्पेट सारे बहुत अच्छे मिल गए. सोफे का भी कवर बहुत अच्छा लिया है. कार बेसिकली पूरा फुल हो गया है, तो ऑल दीज थिंग्स सब डिक्की में डालना पड़ेगा. ये फोटो आ रही है. मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ. खर्चा बहुत ज्यादा हुआ. सो ईच रग कॉस्ट मी 3500. आई नो बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं ना ऊपर वाले घर में बिल्कुल शूट नहीं कर पाती बिकॉज एको होता है. दीज रग्स विल फाइनली हेल्प मी. सोफा कॉस्टेड मी 36,000, लेकिन इट्स अ सोफा कम बेड एंड बहुत बड़ा. एक हफ्ता लगेगा उसको बनने में. अभी तो हम दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी है. द ओनली थिंग आई हैव हैड सिंस मॉर्निंग इज अ मैगी और आधा ग्लास स्मूदी. दैट्स ए कार स्टार्ट की है. वी आर ऑन आवर वे बैक होम. मिलते हैं घर पे. खतरनाक एक्सपीरियंस. खतरनाक एज इन अच्छा वाला खतरनाक. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर पेंडिंग, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सिट विद माय लैपटॉप एंड माय प्लानर नाउ एंड फटाफट टिक ऑफ एक एक चीज. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू पे रेंट. टुडे इज माय रेंट पेइंग डे एंड आई हैव बीन अ वेरी गुड टेनेंट एंड मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है. आई कीप काउंटिंग कि हाँ अभी तो मेरे पास 7 दिन है पे करने को. मेरा उल्टा गिनती चालू रहता है कि कितने टाइम में पे करना है ये अमाउंट. सो टुडे इज द डे. द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू पे दैट. देन क्लासिक का थोड़ा काम है एंड और भी थोड़ा काम है. वेलकम मदर. तो जो सुबह को मैंने छोड़ा था वही आई एम गोइंग टू हैव नाउ फॉर द टाइम बीइंग. स्ट्रॉबेरीज इसमें डाल के डेजर्ट. आई थिंक द ओनली थिंग दैट कम्स बिटवीन मी एंड अ गुड लाइफ इज मेरी आलस टू वॉश माई हेयर. क्योंकि जब बाल चिपचिपे होते हैं ना, आई तो गेट वेरी इरिटेटेड राइट आफ्टर ऑल द टाइम बेस्ड थिंग्स आर डन. उसके बाद मैं सबसे पहले जाके बाल धोऊंगी. आई एम एक्साइटेड फॉर द इवनिंग क्योंकि आई एम मीटिंग कुमार ऑल्सो एंड हिमानी ऑल्सो. फ्राइडे नाइट जैसी लगेगी. अर्जेंट वाला वर्क इज ऑलमोस्ट डन. डैड इज ऑल्सो होम. अभी मैं फटाफट नहा के आती हूँ बिकॉज आई एम लेट एज यूजुअल. मैंने नहा लिया है बट आपको लगेगा नहीं कि नहाया है. थैंक गॉड मैंने बाल धोए. सो एटलीस्ट आई हैव प्रूफ कि मैं नहाई हूँ बिकॉज आई वोर द सेम क्लोथ्स अगेन. बस टी शर्ट मैंने लॉन्ग वाली पहनी क्योंकि वो मैं धोने में डाल रही हूँ. स्टिल लेट सो आई शुड प्रोबेबली जस्ट गो. सो आई एम गोइंग टू सी एट हिमानीज टुडे. सो आई एम गोना टेक माय न्यू टूथपेस्ट विद मी. डिड आई टेल यू वी आर गेटिंग आवर टीथ फिक्स्ड फाइनली. मोस्टली मास्क लेना है. दिस इज मोस्ट मैचिंग. आई फाइनली मेड इट टू कुमार. सुपर लेट. आई थिंक मैं 1.5 घंटा लेट हूँ. मैंने उसको बोला था मैं 1.5 घंटे में आऊंगी बट मैं 1.5 घंटे बाद जा रही हूँ. टेक्निकली मैं 1 घंटा लेट हूँ. आई गॉट सो वरिड के गाड़ी का लाइट अंदर से चालू क्यों है. बट आई फॉरगॉट कि जाने के पहले इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए मैं ही चालू कर गई थी. सो कुमार वाजंट रियली फीलिंग वेल एंड ही डज नॉट लाइक टू बी ऑन कैमरा व्हेन ही इज नॉट फीलिंग वेल. बिकॉज़ आई डिड नॉट शव द कैमरा इन हिज फेस. अभी आई एम गोइंग टू हिमानीज. गुड मॉर्निंग. अगला दिन है एंड मैं हिमानी के घर से बस निकल ही रही हूँ. डैड का शोल्डर ना थोड़ा एग्रेवेट हो गया है तो वे टेकिंग हिम टू द डॉक्टर.
यूजुअली गर्म हवा बाहर निकालने के लिए आई शिफ्ट दिस हियर, टर्न द फैन ऑन 3 एंड आई ओपन द विंडोज, फिर ओनली आई टर्न ऑन द एसी और समथिंग. इट्स आई थिंक 2-1 डे लेटर एंड हमने पूरा टाइम बस स्टार्ट के लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढने में लगा दिया. वी गॉट हिम सीन बाय मल्टीपल डॉक्टर्स ऑफ मल्टीपल ओपिनियंस एंड ही इज फीलिंग मच बेटर नाउ. ऑल्सो आई नो आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल शो यू द रग्स इन द व्लॉग, बट आई रिमेम्बर व्लॉगिंग द रग्स, लेकिन वो क्लिप नहीं है ये वीडियो में समहाउ. सो आई थिंक यू विल गेट टू सी इट इन द सेटिंग अप वाला व्लॉग ओनली, जब हम सारा सामान उसकी सही जगह पे लगाएंगे. तो सॉरी फॉर दिस अल्ट्रा सस्पेंस, लेकिन इंटेंशनल नहीं था. जो लिखा है डेस्टिनी में मे बी वही व्लॉग में आएगा वो. दिस वॉज द फर्स्ट व्लॉग आफ्टर सो मेनी मंथ्स एंड मुझे बहुत ज्यादा मजा आया. तो आई विल व्लॉग अगेन वेरी सून. एज फॉर द होम सीरीज, अभी आई थिंक सेटिंग अप का एक व्लॉग आएगा. सारा सामान हम लगा रहे, लाइक फर्नीचर लगा रहे, खुद लगाया हमने सारा, उसमें सामान भरना, लाइक ऑर्गेनाइज करना थोड़ा बहुत. वो व्लॉग के बाद आई थिंक वी विल बी रेडी टू डू ऑल द रूम टूर्स, हर एक रूम का एक टूर करेंगे. तो बस विश मी लक कि मैं फटाफट खत्म कर दूं ये सब, ताकि सोफा आने के पहले मेरा हॉल वॉल सब क्लीन करके हो जाए. एंड बस ऐसे ही कीप गिविंग अ गुड विशेस तो अपन घर एकदम और अच्छे से प्यार से बना सके साथ में. इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो बिंदास गिव इट अ थम्स डाउन. आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.